नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। खबर है विधानसभा बदलापुर जौनपुर से। विधानसभा के अंतर्गत 3 कैनाल पंप बने हुए थे जो कि विगत कई वर्षों से बंद पड़े थे। बदलापुर के विधायक रमेश चंद्र मिश्र जी ने बताया कि किसानों को खेतों की सिंचाई करने में काफ़ी समस्या हो रही थी। पूर्व की बनी सरकार ने किसानों की इतनी बड़ी समस्या को नज़रअंदाज करती रही, जिसकी सूचना किसानों द्वारा हम तक पहुंची, तो हमने अपनी उत्तर प्रदेश सरकार को किसानों की इस समस्या से अवगत कराया। तीनों कैनाल पंपों का चालू कराने के लिए हमने कई बार सदन में किसानों की समस्या को रखा और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी तथा प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री महेंद्र प्रताप सिंह जी ने मिलकर लिखित पत्र देकर किसानों की इन समस्याओं से अवगत कराया। हमारी सरकार ने किसानों की समस्या को देखते हुए तीनों कैनाल पंप, पहला सुनारा कैनाल पंप प्रथम, दूसरा सुनारा कैनाल पंप द्वितीय छंगापुर और भट्टपुरा कैनाल पंप को चालू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 9 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की थी, जिनका कार्य तेजी से किया जा रहा है। इन कार्यों के लिए मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत ही जल्द तीनों कैनाल पंप चालू कर दिए जाएंगे। हमने किसानों के साथ तीनों कैनाल पंप तथा सुनोरा के पास बन रही पक्की नहर का निरीक्षण किया और देखा कि बहुत ही जल्दी किसानों को सिंचाई करने के लिए नहरों में पर्याप्त मात्रा जल उपलब्ध रहेगा, जिसका लाभ विधानसभा के लगभग 100 गांव के किसानों को मिलेगा। भट्टपुरा महाराजगंज में स्थित बोजनाथ घाट के समीप नहर के दोनों तरफ लगभग 20 गांव के राहगीरों को आवागमन में बहुत कठिनाई होती है। एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए नाव के सहारे राहगीर आते जाते हैं। ग्रामवासियों की सूचना हमारे पास तक पहुंची तो मैं उसका निरीक्षण करने बोजनाथ नहर के समीप पहुंचा तो वहां पर काफ़ी संख्या में गांव के लोग मौजूद थे। उन्होंने बताया कि अगर यहां पर एक पुल का निर्माण हो जाए तो दोनों तरफ के यात्रियों को आने जाने में काफ़ी सुविधा होती है। बदलापुर विधानसभा के विधायक रमेश चंद्र मिश्रा जी ने आज विधानसभा में बने 3 कैनाल पंप का निरीक्षण किया। आइए हम जानते हैं कि निरीक्षण के बाद उन्हें क्या कुछ प्राप्त हुआ। जैसा कि मैंने विधानसभा जब से मैं बदलापुर का विधायक बना हूं तो सबसे बड़ी समस्या किसानों ने, जिस दिन मैं विधायक बना उसी दिन से किसानों ने सबसे बड़ी समस्या कही कि क्या नाम है कि हमारे यहाँ 3 पंप कैनाल है, तीनों पंप कैनाल बंद पड़े हुए हैं। एक सोनोरा पंप कैनाल फर्स्ट, दूसरा सोनोरा पंप कैनाल सेकंड और तीसरा भट्टपुरा पंप कैनाल। ये तीनों पंप कैनाल हमारे बंद पड़े थे, जिसकी बात मैंने विधानसभा के सत्र में कई बार उठाई, हर सत्र में मैंने उठाई, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने कई बार निवेदन किया और जो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं श्री महेंद्र प्रताप सिंह जी, मैंने उनसे भी कई बार निवेदन किया और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज के दिन में तीनों हमारे जो पंप कैनाल हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, महेंद्र प्रताप सिंह जी जो हमारे माननीय मंत्री हैं जल शक्ति, उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से आज हमारे तीनों पंप कैनाल पर जब मैं अगर जोड़ू तो तीनों पंप कैनालों के माध्यम से कम सैकड़ों गाँव के लोगों को पानी मिलता है, किसानों को। और आज हमारी सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने के लिए, किसानों के हित के लिए लगभग मैं समझता हूँ 7 करोड़ रुपए, जैसे 2,84,00,000 सोनोरा पंप कैनाल फर्स्ट पर और 2,50,00,000 सोनोरा पंप कैनाल सेकंड पर और 2,08,00,000 रुपया आपके भट्टपुरा पंप कैनाल पर हमारी सरकार ने दिया है। एक लगभग 9 करोड़ रुपया, 8-9 करोड़ रुपया लगभग हो रहा है। ये 9 करोड़ रुपया जो हमारी सरकार ने दिया है, जिस दिन ये पंप कैनाल पूरा चालू हो जाएगा, ये जो है पाइपलाइन नई बन जाएगी, पूरी पाइपलाइन नई होगी, जहां नहर फट गया है वहां नहर सही होगा, ये जितने आपके मोटर हैं सारे मोटर नई लग जाएंगे, सेपरेट बिजली लग जाएगी, बार्ज बदलेगा, नाव बदलेगा, उसके अलावा उसके अंदर का पूरा इलेक्ट्रिक का पैनल, मोटर से लेकर के पैनल से लेकर के सारे चीज बदल कर आना चाहता हूँ। यहाँ के गाँव के लोगों की बरसों पुरानी मांग है, मैं समझता हूँ कि बरसों पुरानी मांग है कि बोजनाथ घाट पर एक पुल का निर्माण हो। और जब मेरी जानकारी में आया कि यहाँ के गांव के लोग, क्योंकि बगल में जो है आगे शुरू हो जाता है सोनहिता गांव से जो है ये मुंगराबाद शाहपुर विधानसभा शुरू हो जाता है, इधर हमारा बदलापुर विधानसभा है,
तमाम रिश्तेदारियां नातेदारियां, कई लोगों की खेत भी है उधर, और उधर लोगों को इधर आना जाना, लोगों को कम से कम 20-25 किलोमीटर घूम के यहां पर आना पड़ता है। तो जब गांव वालों ने हमको जानकारी दिया तो मैंने अभी परसों ही माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के इस पुल को माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि आप जाकर के स्थलीय निरीक्षण करिए, अगर वहां पर बहुत आवश्यकता होगी तो मैं पुल वहां जरूर स्वीकार करूंगा और जरूर उसकी सुप्रीम। जबकि नहर के एक तरफ विधानसभा बदलापुर के गांव हैं, तो दूसरी तरफ विधानसभा मुंगरा बादशाहपुर के गांव हैं। उन्होंने बताया कि एक दिन दोनों विधानसभाओं के ग्रामवासियों को आपस में बैठाकर बातचीत हो जाए, जिससे पुल के निर्माण होने में कोई भी अवरोध उत्पन्न ना हो सके। राजस्व विभाग की मदद से यहां पर पुल बनाने के प्रस्ताव को शासन के समझ प्रस्तुत कर सकूं। इस मौके पर वहां महाराजगंज भाजपा मंडल अध्यक्ष लवकुश सिंह, बदलापुर मंडल अध्यक्ष विनोद शर्मा, जनसंपर्क विधायक कार्यालय प्रभारी सुरेश चौहान, अंबुश तिवारी, दीपक तिवारी आदि सम्मानित जनता तथा भाजपा पदाधिकारी गण मौजूद रहे। वो 12-13 फीट पे आ जाए अगर रेगुलर नहर चलने लगे। और किसानों के लिए, अरे किसान की सिंचाई तो मुख्य है ही, खेत बिना पानी क्या फायदा करे। क्या बात है बाबूजी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे बाबूजी? रतिये बस वो ही ना देते बाबूजी, आपको मैं कह रहा हूँ, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रधान जी कहते सब माने प्रसन्न है आप लोग, तो मुख्यमंत्री जी और अपने महेंद्र सिंह जी जो जल शक्ति मंत्री है, ये उनके आशीर्वाद से अपने यहाँ 3 पंप कैनाल है बदलापुर विधानसभा में, एक सोनौरा फर्स्ट है, एक सोनौरा सेकंड है और दूसरा भटपुरा पंप कैनाल है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि 1968 का बना हुआ सोनौरा पंप कैनाल था, 1975 का बना हुआ यह पंप कैनाल है। ये खास रिपोर्ट थी कैमरामैन कृष्णा के साथ संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।